नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश का इस बार का पंचायत चुनाव आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश का इस बार का पंचायत चुनाव न होकर शादी में लड़के का वो फूफा हो गया है जो कभी गुस्सा हो जाता है और कभी मान जाता है, यानी रूठने मनाने का कार्य लगातार जारी है। कभी ये होता है कि पंचायत चुनाव होंगे, कभी उसमें नाटकीय मोड़ आ जाते हैं कि नहीं होंगे, कभी ओबीसी आरक्षण का मामला, कभी कोविड का बहाना। इस तरह से पंचायत चुनावों को लेकर कई तरह की कयासों के बीच अंततः कल ये बड़ी खबर आई कि शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है और इसकी ऑफिशियल घोषणा की जाती है चुनाव आयोग द्वारा, जिसके संबंध में अभी तक चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं कहा है। इसको लेकर प्रत्याशियों में काफी कंफ्यूजन है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कम होंगे, नहीं होंगे तो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा। इन्हीं चीजों को थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो सरकार जो है तो 2021 में एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसके आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे। वो अध्यादेश 2019 का जो परिसीमन और आरक्षण तत्कालीन कमलनाथ की सरकार ने किया था उसको खत्म करने के लिए लाया गया था, जिसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया तय की गई थी। उसके बाद आप जानते ही हैं कि मामला मीडिया से लेकर कोर्ट तक गया, हंगामा बरपा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काफी हंगामा हुआ, दोनों पक्ष लड़े। उसके बाद विधानसभा में भी हंगामे को पूरे मध्य प्रदेश ने देखा, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा तो दोनों पार्टियों को यह डर हुआ कि ओबीसी वोटर उनसे नाराज ना हो जाए, तो दोनों पार्टियों ने इसका समर्थन किया कि चुनाव में भी रोक लगाई जानी चाहिए और शपथ भी ली विधानसभा के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने। उसी का नतीजा था कि कल कैबिनेट की बैठक बुलाकर शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऑर्डिनेंस को, अपने अध्यादेश को वापस ले लिया और उस अध्यादेश पर कल मध्य प्रदेश के राज्यपाल की सिग्नेचर भी हो गई। अब इसके बाद होता क्या है, आपको बता दूं कि 2019 का जो परिसीमन और आरक्षण था उसके अनुसार मध्य प्रदेश की 102 ग्राम पंचायतों को खत्म कर टोटल 1200 नई पंचायतें बनाई गई थी और जिला पंचायत सदस्यों की, जनपद अध्यक्षों की, इसके अलावा पंच सरपंचों की आरक्षण भी तय की गई थी। अब इसके बाद बचता क्या है, इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे जहां उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात भी की है। 3 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है। वहीं बड़ी खबर यह है कि हाई कोर्ट ने अभी चुनाव निरस्त करने पर रोक भी लगा दी है एक याचिका के संबंध में। और इसके अलावा अब चुनाव आयोग का क्या कहना है, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के सचिव BS जामोद ने इस बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अभी उन्हें कोई भी लिखित अप्लीकेशन या लिखित पत्र नहीं मिला है इस संबंध में। लिखित पत्र जब राज्यपाल भवन से उनको मिलेगा उसके बाद ही वो इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद कुछ कह सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के पंचायत मंत्री, मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी यही कहना है कि चुनाव कराना है नहीं कराना है यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है। यानी कुल मिलाकर ऑफिशियली तौर पर अभी चुनाव निरस्त नहीं हुए हैं, चुनाव अभी ऑफिशियली यही है कि 6 तारीख को प्रथम चरण के चुनाव होने हैं। 3 चरणों में टोटल मध्य प्रदेश में चुनाव होने की जो घोषणा की है। तो हमारी इस खबर पर लगातार नजर बनी और हम देखते हैं कि चुनाव आयोग कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में पूरी तरह से स्पष्टीकरण इस संबंध में आ जाएंगे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।